तो अगली खबर का रुख करते हैं राजधानी भोपाल से। ये भी खबर आपको बता दें कि विधायक निर्मला सप्रे का विधानसभा सचिवालय को जवाब। जी हां, कांग्रेस की शिकायत पर विधायक का जवाब सामने आया। उन्होंने कोई भी दल बदल संबंधी कदम नहीं उठाया है, तो विधायक है उनका जवाब आपको बता दें सामने आया है। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, विधायक निर्मला सप्रे का जवाब है और सचिवालय को ये जवाब है, क्या कुछ पूरा मामला? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें निर्मला सप्रे की, तो उनको लेकर लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभाओं में भी वो खड़ी दिखी थी और कार्यक्रमों में भी, और बीजेपी के लिए एक वोट मांगते हुए उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी ने उनकी शिकायत दर्ज कराई विधानसभा सचिवालय को, जो शिकायत भेजी थी उस पर 3 महीने में कार्रवाई होनी थी अध्यक्ष की तरफ से, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने अभी उनकी कार्रवाई जो है उन पर नहीं की है किसी भी तरह की, ना ही उनको योग्य ना ही अयोग्य घोषित किया है, जबकि कांग्रेस ने उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। जब ये स्थितियां बनी है और 3 महीने का समय हो गया है और जवाब पार्टी को बताया गया है कांग्रेस को, तो अब कांग्रेस जो है इस मामले में हाईकोर्ट की शरण लेगी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस का ये आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो अवधि होती है निश्चित ड्यूरेशन होती है उसमें कार्रवाई नहीं की है। तो अब देखना होगा कि ये मामला कांग्रेस कोर्ट में ले जाती है कि नहीं, लेकिन रास्ता खुल गया है तकनीकी रूप से कि कांग्रेस अब इस मामले में सबूतों के साथ कोर्ट में जाए। पर फिलहाल निर्मला सप्रे का जो जवाब ऑफिशियली सामने आया है उसमें उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने दल बदल या किसी और पार्टी के समर्थन में कुछ भी नहीं किया है। जी जनरल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।